This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर कहा है, पीएलए यानी चीन के खतरे को देखते हुए हम तैयार हैं, हम कोई संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने देश की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। विदेश मंत्रालय को यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के संबंध में राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक पत्र मिला है, इस पर कार्रवाई की जारी है। पूर्वोत्तर मैक्सिको में राजनीतिक रैली के दौरान मंच टूट गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मंच टूटने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, साथ ही साथ श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पूजा अर्चना की। अमेरिका में बर्ड फ्लू के दूसरे मानव मामले की पुष्टि की गई है, क्योंकि यह वायरस पहली बार मार्च के अंत में डेयरी मवेशियों में पाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिता और माता से स्वाति मालीवाल केस में पूछताछ भी होगी। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है, इसी बीच शिंदे सरकार ने इसमें ढिलाई की मांग की है। पुणे के उजनी बांध में नाव पलटने से 6 लोग नदी में बह गए थे, पुलिस ने अब तक 6 शव बरामद किए हैं, खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। पुणे में पोषक कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत के बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने निगरानी केंद्र भेज दिया है, इस मामले में पीड़ित परिवार ने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक पीएन पाटिल का निधन हो गया है, सिर में चोट लगने के बाद वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग को लेकर सोमवार देर रात घोषित किए गए आंकड़ों में 2.56% अंक की बढ़ोतरी है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी की रणनीति क्या होगी इसका खुलासा किया है, वो दावा कर रहे हैं कि देश में मोदी लहर नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच रहा है, बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एलिमिनेटर में हराया है, इस जीत के बाद संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के 14 दिन कारोबार की सुस्त शुरुआत की है, गुरुवार के कारोबार में शुरुआती सेशन में ही बाजार में उथल पुथल देखने को मिली। गोडिजिट के आईपीओ को बाजार में ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था, हालांकि आज कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 19 से कम तर रही है। अडानी समूह के विभिन्न शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिसके दम पर समूह के मार्केट कैप में सुधार हो रहा है। सुपरस्टार शाहरुख खान की अचानक तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शाहरुख आईपीएल में अपनी टीम केकेआर को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, दरअसल एक्टर के बड़े भाई को जालसाजी के आरोप में यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।